हेलो एवरीवन, दिस इज़ लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। नाउ वी विल कंप्लीट यूनिट 5 चैप्टर 1 द लेजी फ्रॉग फ्रॉम क्लास 5th गोल्डन इंग्लिश मैरीगोल्ड वर्कबुक। सो लेट्स बिगिन। न्यू वर्ड्स, हियर इज़ द न्यू वर्ड्स। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन द सेम एज। तो फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे LOLL, टू लाई अराउंड इन अ लेजी मैनर। लॉल मीन्स होता है लेटे रहना, लेजी मैनर में। इन वेन, इन वेन मीन्स होता है यूजलेसली। सर्क, नॉट टू डू समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग। प्रेफर, प्रेफर करना, टू लाइक समथिंग बेटर। वो, टू वेंट द हेड इन अ जेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट। तो ये कंप्लीट हो जाता है, आगे देखते हैं। रीडिंग इज़ फन, रीडिंग इज़ फन में क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ फ्रेड एंड वॉट इज़ हिज फेवरेट पास टाइम। फ्रेड इज़ अ वेरी लेजी फ्रॉग एंड हिज फेवरेट पास टाइम इज़ ऑल डे लाइंग अपॉन अ लॉग। ओके, तो ये हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड देखते हैं, हाउ डज ही रेस्पॉन्ड वेन हिज मदर कॉल्स हिम। वो किस तरह का रेस्पॉन्ड करता है जब उसकी माँ उसको बुला रही होती है। तो वेन द फ्रॉग्स मदर कॉल्ड हिम, जब फ्रॉग की मदर उसको बुलाती है, ही प्रिटेंडेड टू स्लीप। तो वो उनको दिखाता है कि मैं सोया हुआ हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस। आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस को। व्हेन अ लेडी फ्रॉग होप्स पास्ट फ्रेड शुड गेट अप एट लास्ट टू वॉक एंड हेल्प हर ऑन हर वे। व्हेन अ लेडी फ्रॉग होप्स व्हाई ही डज नॉट इवन ओपन वन आए। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाती हैं लाइंस सेंटेंसेस में। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, विल यू वॉन्ट टू बिहेव लाइक द फ्रॉग, वाई एंड वाई नॉट। क्या आप बिहेव करोगे लाइक अ फ्रॉग, फ्रॉग के जैसा करना चाहोगे, क्यों और क्यों नहीं। तो फ्रॉग तो बहुत लेजी था ना इसमें, इस पोएम में, तो फ्रॉग की थोड़ा ना कोई करेगा उसकी तरह बिहेव, आप अपनी तरह करोगे। तो यहाँ आप लिखोगे नो, आई डोंट वॉन्ट बिहेव लाइक द फ्रॉग, मैं फ्रॉग की तरह बिहेव नहीं करना चाहता, क्योंकि आई लाइक डूइंग हेल्प ऑफ एनी वन, क्योंकि मैं हेल्प करना चाहता हूँ एनीबडी, हर किसी की। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग वर्ड्स आर फ्रॉम द पोएम। ये पोएम से कुछ शब्द लिए गए हैं, राइट डाउन देयर अपोजिट्स। तो इनके अपोजिट लिखने हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल में यह दे दिया है लेजी, लेजी का अपोजिट क्या होगा, एक्टिव। ठीक है, लेजी मीन्स होता है बहुत लेजी बनाना, ठीक है, और एक्टिव मीन्स होता है फुर्तीला। साइलेंट का हो जाएगा नॉइजी, एज स्लीप का हो जाएगा अस्लीप का अवेक, असेम्ड का प्राउड, ओपन क्लोज, ओल्ड यंग। तो यहाँ पे ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। आप देखते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल में। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, मेक ग्रुप ऑफ फाइव, फाइव के ग्रुप बनाने हैं एंड डिस्कस द थिंग्स यू लाइक और डिसलाइक टू डू, और वो चीज़ों के नाम देने हैं जो तुम्हें पसंद हो और नापसंद हो। सो यू विल लर्न सो मच अबाउट योर फ्रेंड्स, देयर नेचर, लाइक्स, प्रेफरेंस एटसेट्रा। लेट्स राइट, देखते हैं यहाँ पे। चलो लेट्स राइट में फर्स्ट वाला करते हैं, वी वेरी ऑनेस्ट एंड राइट थ्री थिंग्स दैट यू डू विच मेक योर पेरेंट्स हैप्पी। ऑल्सो मैंसन थ्री थिंग्स दैट यू डू विच दे डिसलाइक। ओके, सो बिगिन योर सेंटेंसेस विद, अपने सेंटेंसेस को आप स्टार्ट करोगे, आई लाइक टू डू, आई हैव टू, लव टू, डोंट वॉन्ट टू एंड डोंट लाइक टू। सो स्टार्ट करते हैं थ्री थ्री सेंटेंसेज में पूछे हैं आपसे। फर्स्ट वन इज़ वन आई स्टडी प्रॉपरली, जब मैं स्टडी प्रॉपरली करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ किस लिए प्रॉपरली स्टडी करते हो आप, यहाँ क्वेश्चन में दिया है ना कि वी वेरी ऑनेस्ट एंड राइट थ्री थिंग्स, आपको तीन चीज़ें देखनी है, मेक योर पेरेंट्स हैप्पी, जिसे आप पेरेंट्स को हैप्पी बनाते हो, ऑल्सो मेंशन थ्री थिंग्स जिसे आपके जो चीज़ आप करने में उनको डिसलाइक करते हो, ठीक है, नापसंद हो। तो फर्स्ट हम देखते हैं लाइक। ओके, सो फर्स्ट नंबर इज व्हेन आई स्टडी प्रॉपरली, जब मैं प्रॉपरली स्टडी करता हूँ तब मम्मा या आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सेकंड आप क्या करते हो, व्हेन आई लर्न एंड यूज़ गुड मैनर्स, जब हम सीखते हैं अच्छे मैनर्स को और उनको फिर यूज़ करते हैं, एंड टीच देम टू अदर्स, और दूसरे लोगों को सिखाते हैं, तो इससे भी आप पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। थर्ड है व्हेन आई रेस्पेक्ट एल्डर्स एंड हेल्प अदर्स, जब हम बड़ों की रेस्पेक्ट करते हैं और वो लोग हमसे खुश हो जाते हैं और हम हेल्प करते हैं दूसरे लोगों की। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब डिसलाइक क्या क्या करते हो, इफ़ आई डोंट स्टडी प्रॉपरली एंड कीप प्लेइंग, तो ऑब्वियसली सब परेशान होंगे। व्हेन आई ब्रेक थिंग्स, जब मैं चीज़ों को तोड़ता हूँ, लाइक वेस और एनीथिंग मेड ऑफ ग्लास, जब कोई चीज़ शीशे से बनी होती है,
थर्ड है इफ़ आई कीप वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्गर पीरियड्स, जब मैं टीवी देख रहा होता हूँ फॉर अ लॉन्गर पीरियड, तो उससे भी अनहैप्पी हो जाते हैं पेरेंट्स। अब ये स्टोरी है यहाँ पे, द स्टोरी ऑफ द आंट एंड द ग्रेसोफर इज़ वन ऑफ द मैनी फेबल्स रिटन बाय एसोफ। एसोफ फेबल बोली जाती है ये, ठीक है, कुछ कथाएं जो एक तरह से ट्रू स्टोरी पे बेस्ड होती है। द फेबल शोज हाउ द लेजी ग्रेसोफर लर्न अ लेसन। यहाँ पे ये दिखाया गया है इस स्टोरी में कि किस तरह से ये जो लेजी ग्रेसोफर है एक सबक सीखता है, ठीक है। लुक एट द सीरीज ऑफ पिक्चर्स एंड गिवन बिलो। आपको क्या करना है यहाँ पे, ये पिक्चर्स देखनी है, फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, 7, 8, 9, 10 जितनी भी पिक्चर हैं, तो इनमें से देख के आपको एक पूरी स्टोरी लिखनी है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को क्रिएट करना। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या क्या पॉइंट्स हैं। नाउ रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन अ प्रॉपर सिक्वेंस टू डिस्क्राइब वॉट हैपन इन द स्टोरी। राइट द स्टोरी इन अ पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं इसी स्टोरी के बेसिस पे, और यहाँ ये भी आपको देना है कि राइट द स्टोरी इन अ पैराग्राफ, पैराग्राफ में स्टोरी लिखनी है, आप इनको ही रीअरेंज करना है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टोरी स्टोरी को। वंस देर वॉज एन आंट एंड अ ग्रासोफर। एक बार आंट रहती थी और ग्रेसोफर था। द ग्रेसोफर वॉज लेजी एंड कीप सिंगिंग। ग्रेसोफर जो था वो बहुत लेजी था एंड कीप सिंगिंग ऑल द टाइम। वो हर समय गाना गाता रहता था। ही कॉल्ड आउट टू द आंट। वो हमेशा चींटियों को बुलाता था कि आप भी आ जाओ। द आंट इग्नोर्ड हिम, बट आंट जो थी वो उसको इग्नोर करती थी। सी वर्क डे एंड नाइट। वो वर्क डे एंड नाइट करती थी टू गैदर फूड, ठीक है, फूड को इकट्ठा करने के लिए फॉर द विंटर, विंटर सीजन के लिए। द विंटर इज़ फार अवे। लेकिन जो विंटर का सीज़न था वो बहुत दूर था। सेट द ग्रासोफर। ग्रासोफर कहता है कि अभी तुम इतना इकट्ठा करते रहते हो, विंटर सीजन तो बहुत दूर है, कम लेट्स प्ले, आओ चलो खेलते हैं। व्हेन विंटर सीजन केम द आंट हैड प्लेंटी ऑफ फूड स्टोर्ड इन द हाउस व्हाइल ग्रासोफर हैड नथिंग टू ईट। अब जब विंटर सीजन आया तो जो आंट थी उन्होंने प्लेंटी ऑफ फूड स्टोर किया, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अपना खाना इकट्ठा कर लिया इन द हाउस, हाउस में, वाइल और यहीं पे जो ग्रेसोफर था हैड नथिंग टू ईट, उसके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था क्योंकि उसने कुछ स्टोर ही नहीं किया था। ही वॉज हंग्री। अब वो भूखा था। ही वैन टू द आंट। वो आंट के पास गया टू बोरो फूड, फूड को उधार मांगने के लिए। बट सी सेंट हिम अवे एज सी वॉन्टेड हिम। लेकिन उसने उनको उसको ऐसे ही भेज दिया टू लर्न अ लेसन, कि ये एक सबक तब भी सीखे। देन द ग्रेसोफर अंडरस्टूड दैट लेजीनेस इज अ कर्स। तब ग्रेसोफर समझा कि जो लेजीनेस होती है ना वो एक कर्स की तरह होता है। तो हमने ये यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है यूनिट 5 से, चैप्टर 1, द लेजी फ्रॉग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक्स।